संत महात्मा मालक दे प्यारे जिन्हां ने आत्मा और माया बारे खोज कीती है वो सब इको ही तजर्बे ते इको ही पैंट ते पहुंचे हन। वो सानू दसदे है दिसदा जगत और गुप्त जगत ये सब कुछ साडे अंदर है और साड़ी दे कबीर साहब कहिंदे है हड चम मास दी ही बनी हुई नहीं। इस दे अंदर लखां सितारे लखां सूर चंद्रमा बाग बगीचे तो इन्हां दा सिरजनहार जो माली है वो भी अंदर ही बैठा है। अगर असी अंदर जाके अध्यात्मक जगत नूं देखिए या सूक्ष्म जगत की रचना देखिए ता बाहर की रचना नालों बाहर दे देखण नालों किते खूबसूरत है किते वध सच्चाई है। होर संत महात्मा ना तो कोई किसी की बनी कौम तोड़न वास्ते आउंदे है ना वो कोई नवी बनाउण वास्ते आउंदे है। महात्मा का आना संसार विच तां इसे वास्ते है कि किवें ना किवें ये विछड़ियां आत्मा उस परमात्मा नूं मिल सकन। वो महात्मा परमात्मा बारे साडे अगे इस किस्म का नक्शा बना के पेश करते हैं कि जिहड़ा हर साधन नालों वध तो वध सौखा होवे बुढ़े बंदे तो लैके बच्चे तक बीमार तंदुरुस्त हर एक कर सकता होवे इस किस्म का वो सानू साधन रस्ता दसदे है और सौखे तो सौखे लफ्जां विच वो साडे अगे पेश करदे हन ताकि ये आत्मा भुलियां भटकियां जो अपने घर तो हन ये सब परमात्मा नूं जाके मिल लैन। इंसानी जामे दे विच आउण दा जो मकसद है जो परवज है उस नूं इह पूरा कर सकन। हाँ भाई वारी मोहल्ला पहला पन्ना 10-25 आपे करता पुरख विधाता इने आपे आप उपाय पछाता आपे सतगुर नानक देव जी महाराज की बाणी है। गुरु नानक देव जी दे दिल अंदर बचपने तो ही परमात्मा की खोज सी और माता पिता ने हर किस्म का कोशिश की आप नू गृहस्थ दे अंदर पाउण दी गृहस्थ दे अंदर ढालण दी लेकिन वो कामयाब नहीं होए। आखिर भाइया जय राम दे पास पंजाब दे विच एक नगर विच ओह चले गए जिसनों अजकल सुल्तानपुर लोधी भी कहिंदे है। उत्थे जाके भाइया जय राम दी वजह नाल आप दौलत खान पठान दे मोदी खाने का कम करते रहे। एक दिन आप बेई नदी ते चले गए उत्थे आप समाधि दे विच चले गए ले परमात्मा नाल लगी परमात्मा दे दर्शन कीते पता लग्या कि मैं तां संसार दे कारोबार करन वास्ते नहीं आया बल्कि दुखी दुनिया नूं परमात्मा दे नाल मिलाउण वास्ते आया हाँ। आपने 25 साल गृहस्थ आश्रम दे विच रह के अखीर दुनिया दे अंदर काफ़ी चक्कर लाया हालांकि उदों कोई साधन नहीं सन। अरब दे अंदर आप गए मक्के अंदर गए लंका विच गए
काबल दे अंदर भी आप गए जिथे जिथे कोई उस वक्त दा कोई महात्मा तप अभ्यास करदा सी उत्थे पहुंचे, उत्थे सिद्ध कीता कि सुरत शब्द तो बगैर तुसी परमात्मा नू मिल नहीं सकते, अंदर जाके ही तुसी परमात्मा नू मिल सकते हो। बड़े बड़े दूर आपने जाके सुरत शब्द दे अभ्यास नू नाम दी कमाई नू सिद्ध करके दसिया और आखिर आप करतारपुर बेदियां जो अजकल पाकिस्तान दे विच है उत्थे रहे। आपदे पास बहुत दूर दूर तो लोग परमारथ दे चाहवान खिचे तुरे आए और आप खेती करदे सन, खेती ते अपना निर्वाह करदे सन और सानू की उपदेश करदे है कि वह परमात्मा जिसकी सानू सब नू तलाश है वह बाहरों अज तक ना तो कदे किसी नू मिलिया ना मिली सकता है। वो सब का परमात्मा एक है, ये नहीं कि किसी खास मजहब या कौम का परमात्मा है। परमात्मा किसी की परसनल जायदाद नहीं, जो परमात्मा की भगती करते हैं परमात्मा नू अपने अंदर खोजते हैं उन्होंने ही मिल जाता है। हिंदू होके अंदर जाए, सिख ईसाई अंदर जाए, परमात्मा सब का एक है, इको तरीके ना मिलता है, इको साधन मिलता है। इस वास्ते आप कहन लगे आपे करता पुरख वधाता, वो आप ही वधाता है और सारी सृष्टि उसने आप ही बनाई है। आपे सतगुरु, आपे सेवक, आपे सृष्ट उपाई है, आप ही वह सतगुरु बन के महात्मा का रूप धार के इस संसार के उत्ते आउंदा है। आप ही सेवक दे अंदर बैठ के उहदी हदायत दे उत्ते अमल करता है, खोज करता है। क्या सेवक दे अंदर भी उही परमात्मा है, गुरु दे अंदर भी उही परमात्मा है? फर्क इतना है कि संत सतगुरु दे अंदर वो परमात्मा प्रगट है, सेवक दे अंदर हाल वो प्रगट नहीं होयागा। जिस तरह स्कूल टीचर और बच्चे दे अंदर फर्क हुंदा है, बच्चे दे अंदर हालां विद्या जागी नहीं, सुती हुई है, उनू तालीम दा ज्ञान नहीं गा। जिहड़ा टीचर है उसनू तालीम दा ज्ञान है और वो उसकी कदर करता है, वो अंदरों विद्या जाग उठी है। सो जदों वो बच्चा भी स्कूल दे टीचर दे कहन दे मुताबक रोज रोज़ अभ्यास करता पढ़ाई का, वो अंदर भी वो विद्या जिहड़ी है जाग पैंदी है, वो भी अपना भविष्य अच्छा बना लेंदा है। इस तरह गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है, साडे तजर्बे विच है कि संत सतगुरु और परमात्मा सेवक एक ही चीज हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि संतां दे अंदर परमात्मा जागया होया है, प्रगट है, सेवक दे अंदर हालां जागना है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है कि तू आपे गुर चेला है, गुर विच दे तुझे ते आई। आप कहन लगे तू आप ही गुरु है, आप ही चेला है, गुरु रामदास जी महाराज कहिंदे है, लेकिन गुरु दे विच दी होके तेनू ध्याया जांदा है। अगर संत सतगुरु ना मिलन सानू की पता है कि वह परमात्मा साडे अंदर है, क्योंकि असी इंसानी जामे दे विच बहुत टाइम दे रह रहे हुन्ने हैं। असी कदे ये खोज नहीं कीती कि ये शरीर दे अंदर की वस्तु है, या इस दे अंदरों जाके देखिए तो सी कि परमात्मा ने अंदर रख्या होया है। कृष्ण ने कहा सीगा कि मेरे पिता दे घर अंदर कई भवन हैं और हिंदू रुखियां ने इस नू नौ दरवाजों वाला या दस दरवाजों वाला शरीर करके बयान किया, मंदिर करके बयान किया। और वो ये भी दसते हैं कि जेडे नौ दरवाजे हैं ये दिसदे जगत की तरफ खुलते हैं और जेड़ा दसवां दरवाजा है ये अंदर परमात्मा की तरफ खुलता है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है कि अगर जे तुसी परमात्मा नू मिलना है तो सब तो अच्छी जगह उहदे मिलन दी जिथे वह रहिंदा है वह साडी देह है, साडा वजूद है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहिंदे है
काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब नवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, कोहप मद ज्यो वास वस्त है, मुकर में जैसे शाई, तैसे ही हर वसे निरंतर, घट ही खोजो पाई, बाहर पीतर एको जन ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना परम की काई। वो कहन लगे कि तुसी क्यों बाहर मारे मारे जंगलों पहाड़ों में फिरदे हो, परमात्मा तो थोड़े अंदर है। वो इस तरह है कि जिस तरह फुल दे अंदर खुशबू समाई हुई है, शीशे दे अंदर रोशनाई समाई हुई है, इस तरह परमात्मा थोड़े अंदर है। लेकिन इहदा पता सानू उदों लगता है जदों असी महात्मा की संगत और सोबत दे विच जाने हैं। इस वास्ते कहिंदे है कि उन्हां दे पास जा लेना ही काफ़ी नहीं गा, फिर जो वो महात्मा कहिंदे उहदे उत्ते चलना भी इमानदारी नाल साडा पहला फर्ज बनता है। ये गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा जी ने मिटे ना परम की काई। आप कहने लगे जब तक असी कमाई नहीं करते, अभ्यास नहीं करते गे, अपनी आत्मा नू मन दे पंजे तो आजाद नहीं करते गे, उन्ना चिकर असी कदे भी कामयाब नहीं हो सकते गे। कदे भी गुरुआं दे उत्ते सानू विश्वास नहीं आएगा कि परमात्मा वाकया ही अंदर है या गुरु परमात्मा एक है। पहला तो यह हालत रहिंदी है, महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि अगर दो बंदिया ने या दसा बंदिया ने यह कह दिता महात्मा गलत है, झूठा है, भरोसा टुट जाता है। अगर दस आदमियों ने यह कहता कि यह ठीक है, अच्छा है, तो साडा भरोसा बच जाता है। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे अगर तुसीं अखां नाल देख लो कि बलद है, सारी दुनिया एक पासे हो जाए कि यह मझ है या घोड़ा है, वह कदे भी नहीं मनेगा। महात्मा दसदे अखियां वाले हाथी डिठा, उसने धोखा खाया ना। जब एक बारी सजाखे आदमी ने देख लिया कि हाथी है, वो कदे भी धोखा नहीं खा सकता, उसका रंग कद वगैरह कन वगैरह सारा कुछ दसेगा। और जे किसी ने हाथी देखिया ही नहीं गा, उसकी अखा ही है नहीं, वह बेचारा की पता निशान दसेगा। सो गुरु साहब के कहने का यह भाव है कि वह परमात्मा थोड़े अंदर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं सब कुछ घर में बाहर ना ही, बाहर टोला सो परम पलाही जी। आपे सतगुर आपे सेवक आपे श्रेष्ठ उपाय आपे नेड़े नहीं दूरे पूजे गुरमुख से जन की संगत अहन सला गुर संगत हूँ। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं आप ही नेड़े है, आप ही दूर है, जिन्हां ते दया करता है, मेहर करता है, उन्हां दे वध तो वध नेड़े दस पाँदा कि मैं थोड़े अंदर बैठा है। उन्हां दा मिलाप उन्हां महात्मा नाल करा दिंदा है जिन्हां ने कि जिंदगी दे अंदर इस मसले नूं हल कीता हुंदा है। जिन्हां दे उत्ते उस परमात्मा दी दया नहीं हुंदी गी, उन्हां दे मुतालक तुसीं जाणदे ही हो कि कित्थे मक्का है, किन्नी दूर लोग किन्ना किन्ना पैसा खर्च करके जाते हैं। हालांकि सूफी संत बुल्ले शाह ने, हालांकि वह मुसलमानी जाति दे विच सीगा, उसने अच्छी तरह कहा कि ना, आप कहन लगे कि वेद पुराना पढ़ पढ़ थके, सिजदे करद्या कस गए मथे, ना रब तीर्थ ना रब मक्के, जिस पाया तिस नूर अनवार, इश्क दी नवी ओ नवी बहार। कहन लगे ना वो मक्के च बैठा है। कबीर साहब कहिंदे है कि अगर वह पछम दे विच ही बैठा है मक्के च, तो बाकी संसार जिहड़ा है वो उस परमात्मा तो वांझा रह जाएगा। इस वास्ते आप कहिंदे नहीं, वो हर जगह है। जब गुरु नानक देव जी महाराज मक्के दे अंदर गए, उत्थे मसीद दी तरफ उन्होंने पौ करके पै गए, क्योंकि संतां दी हर गल विच राज हुंदा है। जिहड़ा उत्थों दा मौलवी काजी सीगा, उसने किरणा कीती उन्हां दीआं लत्तां फड़ के दूजे पासे नूं घड़ीस के कर दिता कि तू काफर है, लत्तां करके इधर पिया होया है।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਧਰ ਭਰਾਵਾ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਕਰੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘੜੀ ਆਧੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਕਬੀਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਦੀ ਕੱਟੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸੀਤ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਾ ਮਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਬ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਅਲਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੈ, ਐਬ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲੈਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸ ਪਰਮ ਵਗੈਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਗ ਮੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਆਪ ਉਹਨ ਗਾਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
इस वास्ते अगर अज तो कोई 200 साल या 500 साल पहला या दो युग पहला कोई बच्चा पैदा होया है, उसनू भी उस वक्त माता पिता की लोड़ सी, परविश की लोड़ सी। इस तरह अगर कोई अज बच्चा पैदा हुंदा है उहदे वास्ते भी अज बच्चे दी, बच्चे नू माता पिता की परविश की लोड़ है, दुध की लोड़ है। ये नहीं कि उदो तो उस बच्चे नू जरूरत सी, अज नहीं या कल नू ना होएगी। इस तरह अगर जे संतां महात्मा की पहला जरूरत सी उस परमात्मा नू जीवां नू आपके पास बुलाउण वास्ते, तो अज भी है, अगे नू भी होएगी। गुरु नानक साहब कहिंदे है, जुग जुग पीढ़ी चला सतगुर की, जिन गुरमुख नाम ते आया। आप कहन लगे जो नाम शब्द की कमाई करते हैं उन्हों का रस्ता कदे बंद नहीं हुंदा गा, क्योंकि परमात्मा हमेशा ही आपके प्यारियां नू भेजदा है। जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया। आप कहन लगे अपने प्यारियां दी बच्चियां दी जरूर रखवाली करदा है, और संसार दे विच उन्हां नू समझाउण वास्ते जरूर आपके संतां महात्मा नू भेजदा है। मैं दसदा हुंदा है कि जिस तरह कोई कंपनी वाले अपने एजेंट नू भेजदे है कि तुसी जाओ अपने माल जो कंपनी विच तैयार हुंदा है इहदे फायदे लोकां नू समझाओ और इसकी कीमत दसो, इसकी मजबूती दसो। वो एजेंट उस कंपनी के मुतालक जाके हर ग्राहक नू दसदे है कि इहदे ये फायदे है समान दे, और इस तरह ये मजबूत है, असीं तुहानू इस रैत ते दे सकते हैं। और इस तरह उस संतां नू परमात्मा भेजदा है। संत महात्मा आके परमात्मा दे मिलण दे फायदे दसदे है, नाम नू जपण दे फायदे दसदे है, साध संगत विच जाण दे फायदे दसदे है। होर ना तो महात्मा कोई नवी कौम बनाउण वास्ते आउंदे है, ना कि दी पहला तोड़न वास्ते आउंदे है। और जो महात्मा प्रचार करदे है उन्हां दे विच उन्हां दा अपनी कोई भी गर्ज छुपी नहीं हुंदी गी। उह तां कबीर साहब कहिंदे है, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में, पर स्वार्थ के कारने चारे तारे दे। जिस तरह दरखत अपना फल खुद नहीं खांदा गा, नदी अपना पानी खुद नहीं पींदी गी, पब्लिक दे फायदे वास्ते नदी वगदी है, पब्लिक दे फायदे वास्ते ही दरख्त फल पैदा करदा है। इसे तरह बारिश भी पब्लिक दे फायदे वास्ते बरसदी है, बदल कदे भी उस पानी नू पींदे नहीं गे, यूज नहीं करदे गे। इसे तरह महात्मा दा इस संसार दे विच आउण वास्ते कोई भी अपना गर्ज नहीं लुकी हुंदी गी, उन्हां दा प्यार बेगर्ज हुंदा है, और उन्हां दी मुहब्बत दे अंदर साढ़े दुनिया की तरह कोई भी लालच छुपया होया नहीं हुंदा गा। इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है, इस तरह का आके रस्ता अख्तियार करते है, सहज वास्ता अख्तियार करते है, ना तो किसी आलोचना करने वाले की वह परवाह करते है और ना निंदा करने वाले की परवाह करते है। इस वास्ते सारे ने प्यार करते हैं, मुहब्बत करते हैं, वह प्यार के समुद्र होंगे है जी। उस तत कर है पर हर दुख दालद, जिन नाई चिंत पराई है, होए जागत रहना सूते दीस है, संगत कुल तारे सा असी दुनियादार जब सौने हैं साडा जिसम दे नाल आत्मा भी सौ जाती है, पता ही नहीं कित्थे फिरदे हैं कित्थे नहीं, ना सानू दिन नू चैन है ना रात नू चैन है, जब सौने हैं भैड़े खोटे सुपने आउंदे है। लेकिन महात्मा दे सौण दा बड़ा फर्क हुंदा है, साडी मन और आत्मा दी इह सीट है, इह जगह तो सौण दे वक्त थले इंद्रियां दे घाट दे उत्ते आ जाती है। इसे वास्ते जब सुखन आउंदे है वह सही असी उन्हां नू समझ नहीं सकते गे, क्योंकि वह थले दे मंडलां दे हुंदे है, पता नहीं लगता गा की आया सी की नहीं सीगा। सो इस वास्ते अगर किसी दा लत है पैर नहीं, पैर है तो बाँह है नहीं, इस वास्ते महात्मा का जिहड़ा सौण है संसार दे उत्ते वह जद भी पैंदे है उन्हां दी आत्मा उपरले मंडलां दे विच चली जाती है। वो जिस टाइम के उत्ते सौंदे है उदों भी
बहुत सारे पत्र या तारा प्रेमियां दी आ जांदियां है कि फलाने वक्त तुसीं साडी संभाल कीती, उदों भी किसी नूं सत्संग सुना रहे हुंदे है, किसी मुल्क दे अंदर वो अपने बच्चों की संभाल कर रहे हुंदे है। सो इस वास्ते वो संसार दे उत्ते जागे हुए पुरश हुंदे है, संसार की तरफों सौंदे है और परमात्मा की तरफों वो जागते हुंदे है। इस वास्ते कहिंदे कि वह साडी तरह दुनिया के विषय बकारा के लिबड़ते नहीं गे, वो बिल्कुल प्योर हुंदे है, पवित्र हुंदे है, वो हर मैल तो बरी हुंदे है। सो इस वास्ते आप कहिंदे है, महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि दुनिया माड़ी नहीं, दुनिया के पदार्थ माड़े नहीं, पर तुसी इन्हां नूं अपना ना बनाओ। जो चीज़ां परमात्मा ने थानू सेवा वास्ते दित्तियां हन, इन्हां तो तुसी सेवा लो, ना कि तुसी इन्हां दे सेवक बन जाना है। सो इस वास्ते महात्मा सानू दसदे है, महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी कि उन्हां दा जीवन इस तरह हुंदा है जिस तरह मक्खी शहद दे किनारे ते बैठ जांदी है, वो शहद भी खा जांदी है, उड भी जांदी है। दूसरे किस्म की मक्खी जो है वो शहद दे विचाले आके बैठ जांदी है, ना लत्तां कढ़दी है, लत्तां कढ़दी है पर फस जांदी है, पर कढ़दी है लत्तां फस जांदियां है, तड़फ तड़फ के अपनी जान दे दिंदी है, शहद भी नहीं खा सकदी गी। यही हालत साड़ी है दुनियादारां दी। असीं ज्यों विषय बकारां दे काबू आउने हैं, होर तो होर आपदी सेहत का भी सत्यानाश करके चले जाने हैं। सो महात्मा प्यार दे नाल कहने हैं, कहिंदे हन कि वह हमेशा जागते है, मालक नाल जुड़े हुए है, उन्हां दे अंदर कोई मैल नहीं, वह निर्मल है, प्योर है। जदों असीं भी उन्हां दा ध्यान धरदे हैं, निर्मल दा, प्योर पवित्र आत्मा दा, साढ़े अंदर भी उन्हां वाले गुण आने शुरू हो जाते हैं। जे अगर असीं मैले दा ध्यान करांगे, साढ़े भी ख्यालात मैले होने शुरू हो जाते हैं। अगर पवित्र चीज़ का ध्यान धरते हैं, साढ़े अंदर भी पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। जी कल मल मैल नहीं ते निर्मल होइ रहै भगत लिव लाइए, बूझो हर जने सतगुर वाणी, एह जो मन सास है दे प्यार दे नाल दसदे है कि जो बाणी थोड़े अंदर गुरु की है उस नूं समझो। गुरु नानक साहब उस नूं गुरु बाणी कहिंदे है, या पक्की बाणी कहिंदे है, या तुरदी बाणी कहिंदे है। आप कहिंदे है बाणी वजी चौं जुगी सचो सच सुनाए, वो त्रेता द्वापर कलयुग अज भी वह बाणी है, गांह भी उस बाणी ने रहना है। उस बाणी के आधार पर साडे खंड ब्रह्मंड खड़े है। सो इस वास्ते वो ताकत नू बाणी क्या होया है। गुरु साहब कहिंदे है घट अंतरे सच्ची बाणी, वो बाणी थोड़ी देह दे अंदर है, पूरे गुरु की सच्ची बाणी सुखमन अंदर सह समाणी। आप कहन लगे कि जब तुसी अपना ख्याल सुखमना नाड़ी दे उत्ते टकाओगे, वो बाणी अपने आप ही सचखंड तो उठ रही है, थानू सुनाई देन लग जाएगी। ये काम क्रोध के जितने भी पतंगे है उस बाणी नूं सुन के राख हो जाणगे, उत्थे जल जाणगे, ये पर नहीं फिर मार देंगे। जदों सानूं ये पता लग जावे कि साडा घर बर्बाद हो रहा है, डाकू लुट रहे है, लटेरियां दा इत्थे राज हो गया है, उन्हां चिकर असी कदे भी कामयाब नहीं हो सकते, घर आबाद नहीं कर सकते गे। जद घर का मालक जाग पैंदा है, अपनी आई ते आ जांदा है, इन्हां पंजां डाकुआं दी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता गा। ये भी जिहड़े है पंजे डाकू खेड़ा छड़ जांदे है और कोले आउंदे तक नहीं गे। कबीर साहब कहिंदे है कि पांचों लड़के मार के रहो राम लियो लाए। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी कि ये बच्चियां दी शकल दे विच थोड़े अंदरों निकलणगे, काम दी जगह काम भी दस के जाएगा कि मेरा हुण इत्थे गुजारा नहीं गा। जिहड़ा सारी जिंदगी इंसान नूं जानवर की तरह बनाई फिरदा सीगा और उहदी जगह शील आ जांदा है, जतिंद्री बन जांदा है, क्रोध की जगह खिमा मल लैंदी है,
और इसे तरह लोभ की जगह विवेक आ जाता है और सारिया जिहड़ियां काल पावरां हुंदियां है वह निकल जांदियां है। दयाल पावरां अंदर घर कर लैंदियां है और एक एक करके जीव दे अंदरों निकल जांदी है। कद निकलती है जब घर का मालक जाग पैंदा है और अपनी आई ते आ जांदा है कि मैं हुण इन्हां नूं आप दे अंदर आप दे घर विच इन्हां नूं बर्दाश्त नहीं करदा गा। सो इस वास्ते गुरु साहिब कहिंदे है कि लूट ले साकत पत खोहे साध जना पग मलमल धोए। ये दुनिया के उत्ते तां शेर हुंदे है, शेरां दी तरह जीवां नूं वखाली दिंदे है। बथेरे लोग कसमां चुकदे है कि असीं अज तो ये जहर मिठी है जिहड़ी नहीं खावांगे, लेकिन उह छड नहीं सकदे गे। लेकिन महात्मा नूं ये सलाम करदे है क्योंकि वह जागया होया पुरश हुंदा है। मैं हमेशा कहना हुंदा है कि तुसीं प्राण पढ़ के देख लो किस तरह रिखियां मुनियां दी इस काल ने खिली उड़ाई है, लेकिन अज तक जो पहुंचा होया महात्मा सीगा किसी दी भी इस काल ने खिली नहीं उड़ा सकिया, बल्कि उन्हां दी हमेशा ही वडियाई महिमा बयान आउंदी है। वह हमेशा सानू दसदे है कौन संत है कौन सतगुर है। कबीर साहब कहिंदे है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नूं उह नथ पा के रखदा है, ये उन्हां दा दास नहीं हुंदा बल्कि उन्हां नूं अपने दास बनाया हुंदा है। सो सारा संसार जिहड़ा है इन्हां पंजां डाकुआं दा ही दुखी कीता होया है। असीं इन्हां नूं अपने गुरु पीर समझदे हैं, जो ये सानू कहिंदे असीं कर लैंदे हैं। मैं दसदा हुंदा है कि काम इंद्री बंदे नूं जानवर बना दिंदी है, कोले खड़ा आदमी नहीं दिसदा गा और पशु तो भी वध अकल बना दिंदी है। सो इस वास्ते वध तो वध यही चीज़ खतरनाक है। कबीर साहब कहिंदे आ ना तां कामी भगती कर सकदा है ना क्रोधी कर सकदा है। जिस तरह जिथे दिन है उत्थे रात नहीं, जिथे रात आ उत्थे दिन नहीं। कबीर साहब कहिंदे आ कामी कबहू ना गुर भजे मिटे ना संसा सूल। आप कहन लगे उहदा संसा ही नहीं मिटदा गा, कामी हमेशा कहेगा मैं बुरियाई कर रहा है। कामना रूह थले गिर जाती है, क्रोध के नाल फैल जाती है। सो इस वास्ते आप कहिंदे आ कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ना होए, भगती करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। जी आज काल मरे जाए प्राणी हर जप जप हृदय से आईए छोड़ो प्राणी मूर्ख वाड़ा कूड़ मारे काल उछाड़ा साकत कूड़ बचे मन में दो मार्ग बचे पचाई। हुण आप प्यार दे नाल दसदे है कि फजूल बातां नूं छड दिओ, फजूल गल्लां नूं छड दिओ, फजूल जो तुसी कर्मकांड करदे हो इन्हां नूं छड दिओ, इन्हां दे विच कख फायदा नहीं गा। मक्खण जद भी निकलेगा दुध दे विचों निकलेगा, पानी नूं जिन्ना मर्जी तुसी विलो लो उहदे विचों कुछ भी तुहानूं प्राप्त नहीं होएगा। इस वास्ते आप कहिंदे आ कि इन्हां बातां नूं छड दिओ, क्योंकि दो ही रस्ते हन, गुरमत है मनमत है। और अगर असीं गुरमत दे उत्ते चलदे हैं तो साडे अंदर सानू खोज करनी पैंदी है और खोज करके असीं सच्चाई हासिल कर लैंदे हैं। असीं कदे किसी की निंदा नहीं करते, किसी नूं बुरा नहीं कहिंदे, सारे समाज साडे अपने बन जाते हैं क्योंकि सारा ही विश्व उस परमात्मा का बनाया होया है। अगर असीं निंदा करते हैं किसी नूं बुरा भला कहने हैं अपने स्वार्थ वास्ते दिन रात फिरते हैं तो फिर की है असीं मनमत दे उत्ते चलदे हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है असी दो बेड़ियां ते पैर धरिया होया है, गुरमत्ते भी चलना चाहुंदे है और असी दुनिया की चुगली निंदिया भी छड्डना नहीं चाहुंदे, लालच भी छड्डना नहीं चाहुंदे गे। सो महात्मा सानू प्यार नाल दसदे है कि जिस तरह सुथरा फकीर सीगा वह बड़ा अच्छा ला तड़क सीगा, उहदी हासरस की बहुत सारियां कविता मिलदियां हन। वह गुरु छेवें पातशाह दे वेले गुरमत दे विच आया और गुरु गोबिंद सिंह तक वह
गुरमत दे विच रहा, उहदी बहुत लंबी आजू सी और 150 साल इस संसार दे उत्ते रहा, अच्छा कमाई वाला सीगा। उन्हें एक दफा किसी नूं पुछया कि मकान किस तरह मजबूत हो सकता है। किसी ने दसिया कि भई मकान इस तरह मजबूत होएगा जे सारे मकान च थम ला दिए। तां कोई एक सैड चो थम लाउण लग्या, सारा मकान थम्मां दे नाल भर दिता। उधरों बारिश शुरू हो गई, आप बाहर खड़ा कोई आदमी उत्थों दी लंघ रहा सी, वह कहण लग्या भलिया लोका तू बाहर बारिश ना भिज रहा है, तू अंदर हो जा। वह कहण लग्या अगर अंदर जगह होंगी मैं थम होर ना ला दिंदा। वह हालत साडी है, असी आपदा अंदर जिहड़ा है दुनिया की मैं मेरी नाल भरी बैठे हैं। हंकारी आदमी हमेशा ये मिथकी चलता है कि मेरे वर्गा कोई नहीं गा। सो महात्मा सानू प्यार ना दसदे है, संत महात्मा नमूना बन के आउंदे है। मुहम्मद साहब की ईशी दे विच आउंदा है कि वह हमेशा ही सब तो पहला अगले नू सलाम करदे सी। गुरु नानक देव जी महाराज अपने आप नू बहुत निम्रता भरे लफ्ज वरतदे है। वह कहिंदे है जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण पड़े की राखो शर्मा। के हे परमात्मा सी तेरी शरण विच आए हैं, साड़ी तू लाज रख शर्म रख। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे है सगल द्वार को छाड़ के गया तुहारे द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तिहार। मैं सब नू छड़ के तेरे दरवाजे उत्ते आया है, तू मेरी बाँह फड़ी दी लाज रख, आखिर मैनू तेरा भरोसा है। सो महात्मा तो निम्रता भरे लफ्ज बोलते हैं। गुरु गोबिंद सिंह तो इतों तक कहता है कि जो मोह परमेश्वर उचरा सब नरक कुंड में पर है, मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखन आयो जग तमाशा। हुण असीं मूँह ना तो कहने हैं लेकिन अंदरों कौन दास बनन वास्ते तैयार हुंदा है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे आ हंकारी आदमी जिहड़ा है कोई मथकी चलदा कि मेरे वर्गा कौन है, लेकिन मालिक दे प्यारे जितने भी है वो अपने आप विच बड़ी निम्रता रखते हैं। मैनू महाराज सावण सिंह दी सोबत दे अंदर वध तो वध मौका मिलिया, मेरे उच्चे भाग सन जिहड़ा उन्हां दा दर्शन करन दा मौका मैनू मिलदा रहा है। मैं देखदा रहा है कि वो आपदे वास्ते बहुत छोटे तो छोटे लफज निम्रता भरे वरतदे हुंदे सन। उन्होंने कदी नहीं किया कि असी भी गुरु हैं जां असी संत हैं। वो हमेशा कहिंदे हुंदे भई आ तुहानू गुरु नानक की बाणी सुनाई है, कबीर की सुनाई है, उही संत तुहानू दस रहे हैं, असी तां तुहाडी सेवा वास्ते आए हुए हैं। सो इस वास्ते कई आदमी मैं देखे जिहड़े उन्हां नाल आम तौर उत्ते बहस मुबासा करन वास्ते आ जांदे। महाराज जी कहण लगे देख भई साडी सुननी है तां असीं सुणा दिंदे आ, तूं सुणाउणी है तां असीं तेरी बैठ के सुण लैंदे हैं। सो कदे किसे नाल बहस मुबासा नहीं करदे सन। गुरु नानक साहब भी कहिंदे आ जिन्ना चिकर संसार दे विच आए हैं जिवें उह बुलाउंदा उस तरह असीं बोलदे हैं। सो इस वास्ते महात्मा प्यार नाल दसदे आ कि उह हंकार तों रहित हुंदे आ और मालक दे प्यारे बण के अपने आप नूं संगत दे सेवादार दास दिंदे है जी। सागत कूड़े पचे मन हो नानक की बाणी पंजाबी विच है, आम समझ सकदा आदमी, कोई संस्कृत नहीं बोल रहे गए। सब तो पहला अगर परमात्मा नूं मिलना है तो निंदिया करनी छड़ दिओ, क्योंकि निंदिया महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे जिहदी तुसीं करदे हो उहदे जिन्ने ऐब पाप है तुहाडे खाते विच जमा होणगे, जो तुहाडा भजन सिमरन है जिहदी निंदिया करदे हो उहदे खाते विच जाके जमा होएगा। गुरु नानक देव जी महाराज एक जगह होर कहिंदे है निंदिया भली काहू की नाही, मनमुख मुग्ध करन मूह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। जो आदमी संतां महात्मा की निंदिया करता है वह अपने परमार्थ की जड़ दाती ना कट रहा हुंदा है। सो इस वास्ते आप कहिंदे है महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे कि बई अगर जे तुसी चिक्कड़ दे अंदर गंद दे अंदर कोई कैंकर फेंकोगे कोई डला सिटोगे तो कहण लगे उछल के थोड़े उत्ते ही पऊगा।
सो इस वास्ते आप कह लगे गुरु नानक साहब जी महाराज खबरदार करते हैं कि भी तुसी निंदा ना करो। एक आदमी महाराज के कोले खड़ के कह लगे जी मेरा भजन नहीं बनता गा। महाराज ने उहदे नुक्स दसने चाहे, वो कह लगे जी इन्हां चो कोई नहीं। आखिर निंदा दे उत्ते आई गल, वो कह लगे जी ये तो मैनू आदत है। वो कह लगे इहनू छड्ड दे सब कुछ बन जाएगा। तो कहण दा भाव यह है कि ये गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे है कि सब तो पहला निंदा छड्ड दिओ, फिर जो कुछ तुसी पढ़ते हो उन्हां दे उत्ते अमल करो कि असी की पढ़ रहे हैं। जे तुसी कहो कि असी पढ़न दे नाल परमात्मा नूं मिल जावांगे, कहण लगे तुसी साडे ते कहण ते ना रो, तुसी पंडतां नूं पुछ लो, भाईआं नूं पुछ लो जिहड़े दिन रात पढ़ रहे हैं भी तुहानूं शांति आई। महाराज सावण सिंह अपना तजर्बा दसदे हुंदे सीगे कि 100-100 भोग पाउण वाले कई भाई ग्रंथी मिले, फिर वह कहण लगे ये तो आम मिलते सन। जद कहिंदे मैं पोठोहार दे विच गया उत्थे 800-1000 भोग पाउण वाला भी मिलिया। उन्हें जद अपनी हिशी दसी कि मैं इन्ना कुछ कर चुकिया है, महाराज जी कहण लगे आ तेरे सी चरणा नूं हथ लाइए, कदी अंदर चंग्याड़ा देखिया, कदी शांति आई। कहण लग्या ना जी ये चीज़ तो कोई नहीं, सानू तां पढ़न वास्ते लाया होया है। सो इस वास्ते महात्मा सानू प्यार प्यार दे नाल दसदे है कि पढ़ पढ़ थके शांत ना आई। आप कहण लगे कि पढ़ पढ़ के थक भी जाओ फिर भी शांति नहीं आउंदीगी, जो असी पढ़ रहे हैं उहनू सोचना है। गुरु साहब सानू प्यार नाल दसदे है की करो, किहड़ी चीज़ तुहाडे फायदे की है। सब तो पहला साध संगत दे अंदर जाओ, यही तुहाडे लाहे की गल है, क्योंकि साध संगत दे अंदर जाके ही साढ़े अंदर नाम जपण का शौक बिरे तड़फ पैदा हुंदी है जी। मिल सत संगत नाम सला हो, आत्म राम सखाई छोड़ो काम क्रोध बुरियाई, हमें तंद छोड़ो। पहला गुरु साहब निंदा नूं छड़न वास्ते कहिंदे सीगे, हुण कहिंदे काम नूं छड़ दिओ ये भी वरियाई है, क्रोध नूं छड़ दिओ ये भी वरियाई है। क्योंकि मैं उपर दस के आया सी ना कामी भगती कर सकदा ना क्रोधी कर सकदा है। होमै नूं छड़ दिओ, किस चीज़ की होमै करदे हो कि जवानी का हंकार करते हैं, कदे किसे दा वडेपा नहीं देखिया, उही शरीर वडेपे दे विच सोटी दे सहारे तुरदा है, कुब्बा हो जाता है कि अच्छी सेहत का मान करते हैं। हस्पतालों के अंदर जाके कदे असी किसी बीमारा दी चीखा नहीं सुनिया गई। इस वास्ते आप कहिंदे कि धन दौलत का मान है, सड़कों के उत्ते कंगालों की हालत नहीं वेंदे कि उन्हां दी हालत हो रही है। सो इस वास्ते आप कहिंदे किस चीज़ का हंकार करते हो, काम भी छड़ दिओ, क्रोध भी छड़ दिओ, लोभ भी छड़ दिओ। कहण लगे जे परमात्मा की भगती करनी चाहते हो तां जी छोड़ो काम क्रोध बुरियाई, हमें तंद छोड़ो लंपटाई, सतगुर शरण परो तां उबरो, इउं तरिए पव जल असी कहने हैं गुरु पीर की लोड़ नहीं। लेकिन गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं कि थोड़ा आधार ही गुरु की शरण के जाके होएगा। और गुरु अमरदेव जी महाराज कहते हैं अनेक जूनी भरम आए, बिन सतगुर मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लग चरनी सतगुर शब्द सुनाए। भरावा जिन्निया जूना दे विच तेरी मर्जी जाया, मुक्ति फिर इस तरह ही होएगी। गुरु को भी जाना पेगा, नाम भी लेना पेगा। गुरु नानक साहब ने तो गुरु की तारीफ किन्नी करी है। आप कहते हैं गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात, गुर करता है गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग। आखिर की कहते हैं कहो नानक प्रभ यह जनाई, ते बिन गुर मुक्त न पाइए पाई जी। सतगुर शरण परहो ताय उबरहो, अग बिमल नदी अग
ਧਨ ਬਿਖ ਚੇਲਾ ਇਥੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ਅਕੇਲਾ ਪੜ ਪੜ ਅਗਰ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲਹਿਰੀ ਪੜ ਦਜੈ ਮਨ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਥੰਮ ਤਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਥੰਮ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਗੀ। ਜੋ ਮਲੀਨ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਅਕੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੰਨਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਮ ਦੂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਗੀ, ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇ ਪੀਰਾ ਬੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਬਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਾਨਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਕੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਦ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਲੱਦ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਏ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ। ਬੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਜੀ। ਪੜ ਪੜ ਸਾਗਰ ਦੀ ਲਹਿਰੀ ਪੜ ਦਜੈ ਮਨ ਮੁਖ ਤਾਈ ਪੁਰ ਪੈ ਮੁਕਤ ਦਾਨ ਦੀ ਪਾਣੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਵਿਦ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਪਾ ਛੋ ਪਾਈ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਹਰ ਸੇਵਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ।
इस वास्ते असीं क्यों महात्मा कोले जाना है कि उन्हें अपनी जिंदगी दे अंदर मसला हल किया है और असीं भी उहदे कोले बैठ के सिक्ख्या प्राप्त करके अपनी जिंदगी का मसला हल करना है जी। जिन पाया तिने पूछो पाई, सुख सतगुर सीव कमाई, गुर बिन उरझ मर है बेकारा, जम सिर मारी करी नानक देव जी महाराज कहते हैं कि बगैर गुरु तो जितने भी श्वास है वह किस लेखे नहीं, वो जीवनी बेकार है, वह ना ज्यौदा लेखे च है, मरिया तो उन्हें लेखे च की होना सी, मरे की संघी आके जम पकड़ लेंदे है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि पराई निंदा कर करके अपनी कौम मजहब के हंकार में आके असी चंगे हैं और नहीं चंगे। इस वास्ते आप कह लगे डूबे निंद पराई है, जो काल संघी फड़दा है फिर पता लगता है कोई है छड़ाउण वाला। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे तुसी थोड़े जे ठंडे दिल नाल सोच के देख लो कि जब परमात्मा ने कोई कौम नहीं बनाई, मजहब नहीं बनाया, वो सब दा है, ये किस तरह से सोची बैठे हैं कि सिखां नूं ही मिल सकता है जां हिंदुओं नूं नहीं मिलदा गा। इस वास्ते महात्मा सानूं दसदे है, लेकिन असी आपो अपनी कौमां नूं वधाउण दी होड़ विच लगे हुए हैं। महाराज सावण सिंह जी कहिंदे हुंदे सी अगर सारी दुनिया सिखी लिबास पहन लवे फिर कड़ा शांति आ जाएगी, या सारी दुनिया हिंदू लिबास पहन लवे कि फिर कड़ा शांति आ जाएगी, सानू तो साडा ही हिस्सा मिलना है। सो इस वास्ते शांति का नाम की कमाई करके ही मिलनी है। ये तो असी एवें मनते मगर लग के एक कौम दूसरी कौम वास्ते बुरा सोच रही है। जिन्हां ने परमात्मा नूं मिलना है उन्हां दा हर कौम दे नाल प्यार हुंदा है। जिस महात्मा गुरु नानक देव की आप बाणी पढ़ते हैं कि इन्हों का मुसलमाना नाल नहीं प्यार सीगा, कि हिंदुआ नाल नहीं प्यार सी, खत्रियां दे घरे आप पैदा होए सन, मुसलमाना दे मक्के अंदर गए सन, आपका हिंदू मुसलमाना नाल अतुट प्यार सी, सारयां नूं नाम दिता आपने, जो भी कौम का बंदा आया, आखिर जब इन्हों का अंत समा आया सीगा हिंदू और मुसलमाना दे अंदर झगड़ा होया सीगा, हिंदू कहिंदे सी कि इह साडा गुरु है असी इस दा दाह संस्कार करांगे, मुसलमान कहिंदे सी इह साडा पीर है असी इस नूं कबर दे अंदर दफनावांगे अपनी रीति रिवाज दे मुताबक। इसे तरह कबीर साहिब मुसलमाना दे घर पैदा होए सन, उन्हां दे मगरों भी यही झगड़ा होया सीगा, मुसलमान कहिंदे सी कि असी इहनूं दफनाउणा है, हिंदू कहिंदे सी असी इहदा क्रियाकर्म करना है, आखिर जद अंदर गए देखिया उत्थे दो चादरां ही मिलियां, एक चादर हिंदुआ ने फड़ के साड़ दिती, मुसलमाना ने फड़ के दफना दिती है। अज भी तुसी जाके मौजूद उत्थे दोए समाधां देख सकते हो, कबर भी देख सकते हो कंसी दे अंदर, हड़म्बा दी धरती दे अंदर, और समाधि भी देख सकते हो। सो संत महात्मा तो सारिया कौमां नाल प्यार करते हैं, वो वंडियां पाउणियां आउंदे, वो एक बनाउण वास्ते आउंदे है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे है एक पिता एक सके हम बारक, साडा सब दा एक पिता है वो परमात्मा, असि सारे उसके बच्चे हैं जी। बांदे मुकत नाही नर निंदक, डूबे निंद पराई, बोलो साचे पछानो अंदर, दूर नाही बिगन नहीं गुरमुख तर तारी, इउ पव जल पार लंघाई। गुरु नानक साहब कहंदे है झूठ ना बोलो सच बोलो, परमात्मा जो है वो थोड़े अंदर है, वो दूर नहीं गा, इस तरह तुसी पव जल तो पार हो सकते हो शब्द नाम की कमाई करके जी। बिगन नहीं गुरमुख तर तारी,
पावजल पार कहिंदे आ जिस नाम दी तुहानूं जरूरत है सारियां कौमां इस गल ते तां इतफाक करदियां है कि नाम बगैर मुक्ति नहीं, लेकिन अगे उस नाम नूं प्राप्त करन वास्ते कोई सोचदा नहीं। कहण लगे उह नाम तुहाडी देह और वजूद दे अंदर है, उह बाहर नहीं गा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे आ सिमरत वेद पुराण पकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। सिमरतियां वेद शास्त्र सब उस नाम की महिमा कर दिया है। आप कहिंदे गुप्ता नाम वरता है विच कलयुग घट घट हर भरपूर रहा, वो नाम की डोरी संती आके पकड़ाउंदे है जो गुप्त वरत रहा है। जी ना जी उमर ना मारिया जाए कर दे संगत साच वडाई आप तर जन इतरा तारे संगत मुकत सो पार उतारे नानक तिसका देव जी महाराज ने इस शब्द के अंदर संत मत गुरमत नूं बड़े प्यार नाल खोल के सानू समझाया है। आखर आके इको ही नसीहत करते हैं कि जो शब्द नाम की कमाई करते हैं रजो गुण तमो गुण सतो गुण तो उपर जाके सहज अवस्था नूं प्राप्त कर लेंदे है, वो आप तर जाते हैं, अपने पितरां नूं तार लेंदे है, अपनी संगत नूं भी तार लेंदे है। मैं ऐसे गुरमुखां दा गोला हैं दास हैं जिन्हां ने इस मातलोक दे विच आके विषय वकारां नूं लत मार के उस परमात्मा नाल अपनी लिव ला ली है, उस परमात्मा दे नाल जुड़ गया है। कबीर साहब भी कहिंदे है जैसे लो पहले लगी तैसी निव है ओड़, अपनी देह की क्या गत तारे पुरश करोड़। एक ऐसा भी मालक दा प्यारा हुंदा है जिहड़ा आप तर जांदा है, होरां करोड़ां पुरशां दा उधार कर जांदा है। सो इस वास्ते वह भी जीव संसार विच ही आउंदे है जो निंदिया करके गुरु नानक साहब कहण लगे या काम दे वस पै के या क्रोध दे वस पै के अपना जीवन बर्बाद करते हैं, जिहड़े उन्हां दे पास बहिंदे उन्हां दा भी कर जांदे है। सो इस वास्ते आप कहिंदे है मैं उन्हां गुरमुखां दा दास हैं जिन्हां ने परमात्मा नाल अपनी लिव लाई हुई है। आप तरे जन पितरा